नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में क्या स्थिति बन सकती है। जी हां दोस्तों, कुंभ राशि वाले लोग वर्तमान में सबसे ज्यादा परेशान चल रहे हैं और लगभग इनकी राशि पर जो है 4.5 साल से परेशानियों पर दौर देखने को मिल रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक हानि, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव, व्यापार में घाटा, घर परिवार में कलह, अशांति, ऐसी सारी चीजें जो है कुंभ राशि वालों के साथ देखने को मिल रही हैं। और इसके साथ धोखाधड़ी, नौकरी का छूटना आदि ऐसी सारी परेशानियां जो है कुंभ राशि वाले लोगों को देखने को मिल रही हैं। इसका कारण है कि शनि की 7.5 का प्रभाव आप पे चल रहा है, और लेकिन अब वर्तमान में ग्रहों का गोचर अक्टूबर में जो बदल रहा है, इसके प्रभाव से आपकी राशि पर और क्या प्रभाव आपको जो है देखने को इस मंथ मिल सकते हैं और क्या हम सावधानी रख सकते हैं, तो इसी विषय में आज आप लोगों को बतलाऊंगी कि कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। टाइम फ्रेम भी आप जान सकते हैं, लेवल्स भी जान सकते हैं। तो आप यदि लेना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के नंबर संपर्क करके रिपोर्टें आदि जान सकते हैं। और यदि अपनी जन्म पत्रिका भी दिखलाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या कंपनी कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप जानकारियां ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्रहों का कुंभ राशि पर क्या असर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम कुंभ राशि वालों के लिए देखेंगे तो इस महीने में जो है मंगल का राशि परिवर्तन होगा, जो कि 21 तारीख से होगा और वह आपके लिए शुभ फलकारी नहीं रहेगा। दूसरा परिवर्तन हम देखेंगे, सूर्य बुध जो कि वर्तमान में आपकी कन्या राशि में केतु के साथ गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका शारीरिक स्वास्थ्य जो है लगभग नरम गरम चल रहा है 3-4 महीनों से, ऐसी स्थिति जो बनी रहती है। इसके साथ जो है 11 तारीख से बुध तुला राशि में चले जाएंगे, ये आपकी स्थिति को सुधारेंगे। इसके साथ साथ जो है 18 तारीख से सूर्य का गोचर भी तुला राशि में हो जाएगा, और सूर्य भी आपके कार्य व्यापार के कारक हैं जो आपके लिए थोड़ा सा मदद करेंगे, आपको सहायता देंगे, रुके हुए काम आपके बनेंगे और कुछ यात्राओं के योग भी आपको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य आपकी मदद करेंगे। और अगला हम देखेंगे शुक्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह वर्तमान में आपके लिए तुला राशि में चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो है वृश्चिक राशि में तारीख 14 से गोचर करेंगे, तो फिर यहाँ आपके कार व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल वर्तमान में मिथुन राशि में चल रहे हैं, लाभ को देख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे लाभ के योग भी है बनाते हैं, लेकिन चतुर्थ गुरु आपके जो अष्टम चतुर्थ गुरु पड़ रहा है, यह जो है परेशानियों का सबब रहता है। यानी कि 2024 वर्ष जो है आपके लिए बड़ा उतार चढ़ाव, हर प्रकार से परेशानी दायक बन सकता है, क्योंकि चौथा गुरु कभी भी सुफल प्रदान नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम राशियां देखते हैं तो इसके हिसाब से हमें गुरु की शांति, इसके शांति के उपाय जरूर करना चाहिए। अगला हम यदि हम देखेंगे तो आपका जो मंगल है 21 अक्टूबर से जो है नीच राशि में चले जाएंगे, तो जब नीच राशि में जाते हैं तो नाना प्रकार के रोग, आदि व्याधि, दुर्घटनाएं, परेशानियों ये बना देते हैं, ऋण कर्ज आदि की संभावनाएं जो है बन जाती हैं, तो ऐसे में आपको बचना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य की आपको रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो ग्रहों का वर्तमान गोचर है वह बड़ा मिला जुला स्थिति में बना हुआ है, जो कि पूर्ण तरीके से शुभ फल प्रदान नहीं कर सकता है। तो कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 का भी जबरदस्त असर बन रहा है, इसके कारण से थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक रहेंगे और शनि आदि की देवता की जो है आराधना पूजा करते रहेंगे, पीपल की पूजा करें, प्रत्येक शनिवार को बजरंग बाण आदि का पाठ करते रहें, इससे शनि की पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो अक्टूबर का मंथ जो रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए मिला जुला असर करेगा और नेगेटिव स्थिति कुछ ज्यादा दिखला सकता है, इसीलिए उपाय आदि आप करते रहेंगे तो आपके लिए यह शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। तो इस प्रकार से जो है मैंने यह आपको राशि के अनुसार कहा है, तो यह आप देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म प्रेडिक्शन आपको जो है अपनी जन्म पत्रिका से ही करवाना चाहिए, यह निर्देश हमेशा आप ध्यान में रखें।
तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।